अंडर 19 एशिया कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मलेशिया में चल रहे इस टूर्नामेंट में भारत को नेपाल के हाथों करारी शिकस्त खाने को मिली है। कप्तान दीपेंद्र सिंह के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बल पर नेपाल ने भारत के अंडर 19 टीम को 19 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। नेपाल के कप्तान दीपेंद्र सिंह ने शानदार 88 रन बनाए। बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन के बाद दीपेंद्र ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 39 रन देकर 4 विकेट झटके और भारतीय टीम 48 ओवर एक गेंद में 166 रन पर ढेर हो गई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।